राजस्थान में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से लगातार घमासान देखने को मिल रहा है। पार्टी दो धड़ों में बटी नजर आ रही है। एक खेमा तो अशोक गहलोत का है तो दूसरा खेमा सचिन पायलट का है। अब चुनाव सिर पर है तो कांग्रेस नेतृत्व इस विवाद को सुलझाने की कोशिश कर रही है। टीएस सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का उप मुख्यमंत्री बनाने के बाद कांग्रेस आलाकमान की निगाहें अब राजस्थान पर है। राज्य में सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच झगड़े को सुलझाने का प्रयास पार्टी नेतृत्व कर रही है। सूत्रों ने बताया कि पार्टी नेता से लेकर तीन फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं। पहला फॉर्मूले के तहत इस बात पर चर्चा हो रही है कि सचिन पायलट को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव और सीडब्ल्यूसी सदस्य बनाया जाए, उन्हें राजस्थान विधानसभा चुनाव अभियान समिति का प्रभार भी दिया जाए। दूसरा फॉर्मूला सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में वापस लाने पर है। हालांकि इस कदम से अशोक गहलोत खेमा परेशान हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह चाहते हैं कि पार्टी प्रमुख उनके गुट का ही कोई व्यक्ति बने। गहलोत गुट का कहना है कि चुनावी साल में मौजूदा पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह दुतासरा को हटाने से जाट वोट बैंक खराब हो सकता है। हालांकि पार्टी आलाकमान इस बात पर चर्चा कर रही है कि क्या डोटासरा को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तीसरे फॉर्मूले के मुताबिक पायलट और गहलोत को आमने सामने बिठाकर मतभेद को दूर किया जाए। इस बात पर भी विचार किया जाए कि पायलट को अगले चुनाव में सीएम चेहरा बनाया जा सकता है। कांग्रेस नेताओं ने यह भी बताया कि पार्टी चाहती है कि गहलोत और पायलट एक साथ आएं और अगला चुनाव एकजुट होकर लड़ें। राजस्थान में इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। यही वजह है कि पार्टी छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाकर वहां की स्थिति संभालने की कोशिश की। अब आलाकमान राजस्थान में भी किसी न किसी फॉर्मूले से अशोक गहलोत और सचिन पायलट को साथ लाने की कवायद कर रही है, जिससे राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता में फिर से वापसी हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज 13।